वेलकम टू आवर चैनल वी स्टडी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं भारत का भौगोलिक 50 से हम डिस्कस करेंगे। जीएस और जीके हम पढ़ाएंगे, जनरल स्टडी और जनरल नॉलेज। जीके जनरल स्टडी और जनरल नॉलेज हम पढ़ाएंगे, जिसमें आज सबसे पहले हम क्या पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, जिसमें मेन हमारा फोकस क्या होगा, हम शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाएं जितने हो सके वन टाइम एग्जाम के लिए, वो क्या है शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाएं जिससे याद करने में भी आसानी हो, भूले भी नहीं जल्दी। तो आज हम डिस्कस करेंगे भौगोलिक परिचय, मीन्स पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का, पहला चैप्टर क्या है इसका हम इंट्रोडक्शन बताएंगे। इंट्रोडक्शन मीन्स ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन मीन्स होता है कि वर्ल्ड में भारत किस पोजीशन पे है, उसका एरिया क्या है, वो किस नंबर पे आता है, उसकी जनसंख्या क्या है, ये सारी चीजें हम किस में डिस्कस करेंगे, ज्योग्राफिकल भौगोलिक परिचय में हम डिस्कस करेंगे। तो आज शुरू करते हैं हम, हमारा मेन उद्देश्य होगा हम शॉर्ट ट्रिक से करें। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक लिखी है, लेकिन कुछ हम बता देते हैं। जैसे भारत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इंडिया क्या है, ये तो मुझे लग रहा है सबको पता होगा क्या है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर क्या है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये क्या है हमारा एरिया है, क्षेत्रफल है। किस नंबर पे आता है भारत, तो भारत किस नंबर पे आता है वर्ल्ड में, सातवें नंबर पे आता है। किस नंबर पे आता है भारत की हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, क्षेत्रफल क्या मेन हमारा फोकस क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की दृष्टि से किस नंबर पे आता है, सातवें नंबर पे आता है। अगर जनसंख्या बोल देते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड नंबर पे आता है, पहले कौन आता है चाइना, तो देख लेते हैं सातवें नंबर पे आता है, उससे पहले कौन कौन से, उससे पहले है रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया, इंडिया या भारत। तो पहले क्या है रूस, रूस का अगर हम एरिया देखें तो क्या है 1,70,00,000 के अप्रोक्सली है, क्या है 1,70,00,000 के सबसे बड़ा क्या है, सबसे एरिया में सबसे क्षेत्रफल किसका ज्यादा है, रूस का है, फिर उसके बाद कनाडा, फिर अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इंडिया किस नंबर पे है, सेवंथ नंबर पे है। ये अगर हम क्षेत्रफल देखें तो, अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो किस नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है। अब की देखेंगे महाद्वीप कितने हैं, ये तो पता होगा ना महाद्वीप कितने हैं, महाद्वीप तो सेवन है, कौन से महाद्वीप में भारत आता है, भारत एशिया महाद्वीप में आता है, एशिया में आता है, एशिया में चाइना और इंडिया आता है। तो भारत किस में आता है, एशिया में आता है। अब देखेंगे नेक्स्ट अब एशिया में देखेंगे तो भारत कितने राज्यों से सीमा बनाता है, भारत कितने देशों से सीमा बनाता है, तो इसका हमारे पास शॉर्ट ट्रिक क्या है, बचपन में भी आना, ये क्या है हमारा जो शॉर्ट ट्रिक है, पड़ोसी देशों के साथ जो सीमा हम बनाते हैं तो क्या है बचपन में भी आना। बचपन मीन्स क्या हुआ देख लेते हैं, बचपन, ये क्या है बांग्लादेश, बांग्लादेश, ये क्या है चाइना, ये क्या है पाकिस्तान, ये क्या है नेपाल, फिर क्या है मैं भी आना,
तो ये क्या है, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये देश हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं। इसमें एक ठीक भी है, क्या है ये, बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, उसके बाद चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और फिर अफगानिस्तान। देख लेते हैं बांग्लादेश कितना सीमा साझा करता है, 4096, क्या है, 4096 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा कौन साझा करता है, बांग्लादेश साझा करता है। सबसे ज्यादा सीमा कौन साझा करता है, कंफ्यूजन होता है, चाइना साझा करता है, चाइना नहीं साझा करता, सबसे ज्यादा क्या कौन करता है, बांग्लादेश करता है। फिर उसके बाद चाइना कितना करता है, 3488 किलोमीटर। ये कंफ्यूजन याद रखना कि बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, कौन, बांग्लादेश, उसके बाद चाइना, फिर उसके बाद पाकिस्तान कितना करता है, 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। फिर नेपाल कितना है, 1751 किलोमीटर। ये मेन इंपोर्टेंट बता दिए चार हमने, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, सबसे कम कौन करता है, अफगानिस्तान, कितना है, 120 किलोमीटर अप्रोक्सली है, ये कंफर्म नहीं अप्रोक्सली है, 120 किलोमीटर। सबसे कम अगर हम पूछ लें कितना है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान लद्दाख से लगता है। अफगानिस्तान कितना है, सिर्फ एक ही देश है जो एक देश एक राज्य से बनाता है, यूटी से, राज्य नहीं यूटी अब हो गया है। तो अफगानिस्तान के किस यूटी से सीमा साझा करता है, वो क्या है, लद्दाख, लद्दाख से कितना, 120 किलोमीटर अप्रोक्सली, लगभग इतना ही साझा करता है। तो हमारे पास सारा ट्रिक क्या है, बचपन में भी आना, ये सारा ट्रिक हो जाए, अगर ये याद रखेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर ये भी पूछ ले कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कौन सबसे ज्यादा साझा करता है, उसके बाद कौन, उसके बाद तीन चार नाम दे दे, तो हमारे पास ये अगर ट्रिक याद रहेगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और हमें ये भी पता रहेगा कि कौन से देश हमारे साथ, जब भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये तो हो गई भारत की साथ सीमा साझा करने वाले देशों के नाम। अब देखते हैं भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा मींस वह है 15,200 किलोमीटर। मींस स्थलीय सीमा मींस ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, इंडिया का मैप है। तो स्थलीय सीमा मींस क्या होता है कि ये यहां से लेकर जो लैंड से कितनी सीमा, यहां से लेकर ये जो पूरी सीमा पूछ रहा है इसकी सीमा कितनी है, तो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और हमारी तटीय सीमा कितनी है, तटीय सीमा है, तटीय सीमा जो समुद्र के साथ सीमा बनाती है वो क्या है, सी के साथ 6100 किलोमीटर। ये लैंड की है, इतनी है इसकी, अगर हम पूरी तो क्या है 7500, कितनी है 7516 किलोमीटर। अगर हम इन द्वीप जो हमारे पास आइसलैंड है, अंडमान निकोबार है, इधर इधर क्या है हमारा लक्षद्वीप है, अगर इनको भी मिला ले हम तो टोटल क्या हो जाएगी, टोटल तटीय सीमा हमारी क्या है, 7516 किलोमीटर। अगर हमें ओनली पूछा जाए कि तटीय सीमा कितनी है, भारत की मेन तटीय सीमा कौन सी है, कितनी कितने किलोमीटर है, किलोमीटर में है, तो कितनी है, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर टोटल पूछ ले, द्वीपों को भी मिला ले हम, अगर आइसलैंड को भी मिला ले, तो कितनी हो जाएगी, 7516 किलोमीटर। हमारी क्या है स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 मीन्स 15,200 किलोमीटर। अगर हम पूरी
पूछ ले दोनों को मिला के तटीय और स्थली सीमा, तो क्या हो जाएगा इसमें हम ऐड कर देंगे भारत की कुल तटीय सीमा स्थलीय सीमा और तटीय सीमा में कंफ्यूजन होना। स्थलीय सीमा मतलब जो राज्य सीमा, तटीय मीन्स होता है जो वाटर वाटर के साथ सीमा बनाते हो या समुद्र के साथ सीमा बनाते हो उसे तटीय बोल देते हैं, और बाकी जो होता है उसे बोल देते हैं स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा कितनी है हमारी 12,15,200 और कुल तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर। तो टोटल सीमा हमारी जो भारत की हो जाएगी, भारत की कुल सीमा कितनी हो जाएगी 22,716 किलोमीटर। कंफ्यूज नहीं होना, स्थलीय सीमा 15,200 और भारत की मेन तटीय सीमा अगर पूछ ले तो वो कितनी है 6,100 या 6,100 किलोमीटर। अगर टोटल पूछ ले 22,716 किलोमीटर, ये क्या हो जाएगी हमारी सीमा हो जाएगी। अब हम देखेंगे तटीय सीमा से कौन कौन से राज्य मिलते हैं, तटीय सीमा में कौन कौन से राज्य आते हैं। फिर इधर क्या है महाराष्ट्र, इधर क्या है गोवा, फिर यहां तक क्या है कर्नाटका, फिर नीचे क्या है केरला। इतना क्या है तो केरला, केरल तो पश्चिमी सीमा। इधर ये इधर क्या होता है ईस्ट, इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं वेस्ट। ईस्ट अगर पूर्वी राज्य पूछ ले जो तटीय सीमा बनाते हैं तो इधर होंगे, इधर के बनाना होगा। क्या है ये पहला, इधर क्या है तमिलनाडु, दूसरा क्या है आंध्रा, आंध्र प्रदेश, आंध्रा, फिर क्या है उड़ीसा, उड़ीसा, फिर क्या है इधर पश्चिम बंगाल। क्या है पश्चिम आ जाएगा पश्चिम बंगाल, लिख लेना पश्चिम बंगाल। तो ईस्ट की तरफ पूर्वी सीमा कितने राज्य बनाते हैं 4 और पश्चिमी सीमा जो तटीय बनाते हैं वो कितने हैं 5। तो पहला क्या है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला। टोटल कितने बनाते हैं 11 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। राज्य ध्यान रखना, राज्य अगर यूटी, यूटी और राज्य प्लस यूटी अगर पूछ ले, यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश, तो उसमें क्या हो जाएगा दो इधर ऐड हो जाएंगे, एक इधर क्या है ये क्या है अंडमान निकोबार, इधर क्या है लक्षद्वीप, तो कितने हो जाएंगे 13। अगर दोनों पूछ रहे टोटल कितने पूछ रहे टोटल, तो कितने हो जाएंगे 13, 13 राज्य 11 स्टेट एंड 2 यूटी। तो मेन लैंड मेन क्या होता है सीमा क्या होगी कोस्टल एरिया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिल, आंध्रा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अब देखेंगे हम विस्तार कितना है भारत का, विस्तार क्या है, कहां से कहां तक विस्तार है भारत का। तो हम देखेंगे 8 डिग्री, अगर मैं मैप फिर से बनाऊं, 8 डिग्री जो लैंड भूमि है इसे क्या बोलते हैं कन्याकुमारी,
कन्या कुमारी, क्या है कन्याकुमारी, तो ये किस पॉइंट पे आता है, 8 डिग्री 4 मिनट, क्या हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, इसका विस्तार है अक्षांश, अगर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड भी बोल देते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड क्या हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर यहां, ये क्या है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये लिखना ना भूलें, उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश मीन्स ये पता चलेगा कि हमारा क्या है ग्लोब है, ये क्या है इक्वेटर, विषुवत रेखा है ना, तो हमारा जो इंडिया है वो यहां पे है, यहां पे है, ऊपर है यहां पे, तो जो नॉर्थ पोल में हम आते हैं ना, तो नॉर्थ पोल इसीलिए लिखा गया है कि उत्तरी अक्षांश। यहां भी अगर 8 डिग्री इसको भी बोलेंगे, 8 डिग्री इसको भी बोलेंगे, लेकिन अगर हमें कंफ्यूजन हो जाएगा, अगर हम 8 डिग्री ही बोलते हैं तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए हमने क्या कह दिया उत्तरी अक्षांश लिखा है, तो पता चल जाएगा कहां इस उत्तरी नॉर्थ पोल की हम बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा उत्तरी अक्षांश कितना हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश लेकर 37 डिग्री। फिर देखेंगे अब देशांतर में देख लेते हैं, ये लाइनें जो होती हैं इसे बोलते हैं अक्षांश, ये क्या होती हैं अक्षांश होती हैं, तो कितनी लाइनें हैं अक्षांश, अब देख लेंगे देशांतर, लैंगिट्यूड बोलते हैं, लैंगिट्यूड ये लाइनें जो होती हैं, ये जो लाइनें खींची जाती हैं इसे क्या बोलते हैं देशांतर, देशांतर ये क्या है 96 97 डिग्री 25 25 पूर्वी देशांतर, ईस्ट लॉन्गिट्यूड पूर्वी देशांतर, ये क्या है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर ये लिखना ना भूले, ये क्या है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर टू लेकर क्या है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, तो हम देखेंगे हमारा जो विस्तार है कहां से कहां तक है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अगर हम बात करें ये तो हमारा लैंड था, ये पॉइंट था, लेकिन हमारा सबसे अगर बात करें सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन है, वो 6 डिग्री 4 मिनट है, क्या है इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, क्या इंदिरा, इंदिरा पॉइंट क्या है यहां पे, ये क्या है 8 है 8 डिग्री है 7 डिग्री 6 डिग्री यहाँ के इस जगह के आसपास है, तो क्या हो जाएगा अगर हम बात क्वेश्चन इस तरह आ जाए सबसे आखिरी पॉइंट कौन सा है भारत का, डिग्री में लिखिए सबसे आखिरी पॉइंट कौन सा है, तो क्या हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट, जिसे हम क्या बोलते हैं इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंदिरा पॉइंट बोले या 6 डिग्री 4 मिनट बोले, दोनों क्या है एक ही चीज है, ये ध्यान रखना, अगर विस्तार पूछ ले मेन भूमिका विस्तार क्या है, मेन लाइन का विस्तार क्या है, तो क्या हो जाएगा 8 डिग्री, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना, ये क्या है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश या नॉर्थ लैटिट्यूड, तो अगर मेन भूमिका पूछ ले तो 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक है उत्तरी अक्षांश, अक्षांश लिखना ना भूले, उत्तरी अक्षांश लिखना ना भूले, जैसे इसमें लिखा पूर्वी देशांतर, तो ये हमारा क्या है उत्तरी अक्षांश में आता है, पूर्वी देशांतर में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखेंगे उत्तर से नॉर्थ से दक्षिण, दक्षिण इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, क्या है 3 2 1 4, अगर हम इसको किलोमीटर, क्या है किलोमीटर मींस इस तरह बनाए, तो ये नॉर्थ टू साउथ,
उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी कितनी है? 3, 2, 1, 4 किलोमीटर। इसको लर्न करने का तरीका बता देता हूं, क्या है हमारी डायरेक्शन कितनी है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्या है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हम कहां से कहां निकाल रहे हैं? नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं। नॉर्थ पहले नॉर्थ आता है ना, अगर हम इसको नंबरिंग करें, ईस्ट पहले नंबर पे 1, 2, 3, 4 नंबरिंग करें अगर, तो नॉर्थ से शायद हम निकाल रहे हैं नॉर्थ मींस नॉर्थ, तो हम इसको 3 लिख सकते हैं। हमें पता डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख देंगे, अगला क्या लिख देंगे? 210 किलोमीटर। तो शॉर्टकट क्या हो जाएगा, अगर हम नॉर्थ को 3 मान लें, 3 लेट कर लें, नॉर्थ 3 नंबर पर डायरेक्शन आती है, ईस्ट पहले पे, वेस्ट दूसरे पे, नॉर्थ तीसरे पे और साउथ चौथे नंबर पे। तो अगर हम 3 यहां से लर्न कर लें तो उसका हम डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख देंगे 3, 2, 1, 0 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा हमारी नॉर्थ टू साउथ लद्दाख, लद्दाख टू कन्याकुमारी, लद्दाख से कन्याकुमारी की डिस्टेंस, लद्दाख से कन्याकुमारी की डिस्टेंस कितनी है? 3210 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगी नॉर्थ टू साउथ उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी इंडिया की, क्या हो जाएगी? 3210 किलोमीटर। तो अब इतना एक्चुअल में है क्या ये 4, 3214 किलोमीटर। तो ये लर्न करने के लिए अगर हम शॉर्ट कट बनाए तो इसको हम 0 मान लें, 3, 3, 2, 1, 0 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो अब तो क्या हो जाएगा 3210 किलोमीटर। आप देख लें नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट बार अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक की डिस्टेंस कितनी है? वो कितनी है? 2933 क्या है किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ये क्या है हमारी डिस्टेंस है नॉर्थ और ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम के बीच डिस्टेंस कितनी है? 2933 किलोमीटर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा रेखा। भारत कितने देशों के साथ सीमा रेखा बनाता है? लेकिन बनाता कई सारे से है, लेकिन मेन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो अधिकतर एग्जाम में आ जाता है, वो कौन कौन से? पहला क्या है? रेड क्लिफ। अगर हम लिखें रेड क्लिफ, ठीक है, अगर हम इसको हम लेट कर लें, ये क्या है? रेड अलर्ट। ये क्या लिखा हुआ है? अगर रेड क्लिफ को हम क्या कर लें? रेड अलर्ट, क्या? रेड अलर्ट मान लें, रेड अलर्ट मान लें। तो रेड अलर्ट जैसे ही आएगा तो माइंड में क्या आना चाहिए? रेड अलर्ट मींस क्या हुआ? कौन सी हमारी सीमा जो है रेड अलर्ट पर रहती है? कौन से देश के साथ हमारी सेना रेड अलर्ट पर रहती है? कौन से? तो कौन सा नाम आएगा सबसे पहले हमारे दिमाग में? कौन सा आएगा? पाकिस्तान। कौन सा आएगा? पाकिस्तान। तो रेड क्लिफ, रेड क्लिफ आया तुरंत माइंड में आना चाहिए। रेड अलर्ट मीन्स होता है पाकिस्तान, क्योंकि सबसे ज्यादा आर्मी जो है हमारी सबसे ज्यादा अलर्ट किसके साथ रहती है? वो किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ। तो ये लर्न हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मुझे लग रहा। रेड क्लिफ मीन्स रेड अलर्ट मीन्स पाकिस्तान। अब देखते हैं नेक्स्ट जो सीमा पर साझा करता है, नेक्स्ट किसके साथ सीमा साझा करता है? मोस्टली दो ही आते हैं, या तो रेड क्लिफ आएगा पूछा जाएगा, या मैकमोहन पूछा जाएगा। मैक अगर हम इसको इस तरह लिखें, मैक प्लस मोहन। तो ये मैक नेम, इंडियन तो होगा नहीं किसी का, इंडिया के नेम किस तरह चलते हैं? मोहन, राम, श्याम, रोहित, इस तरह सब चलते हैं। तो ये तो हो गया मोहन से मीन क्या हुआ? इंडिया। मोहन से मीन्स क्या हुआ? इंडिया। मैक ये कहां के नेम होंगे? फॉरेन नेम होंगे। मैकेली, मैक, ये सब कहां के नेम होते हैं? फॉरेन नेम। फॉरेन नेम आते हैं हमारे दिमाग में आना चाहिए क्या? चाइना। ये नेम कहां के होते हैं? चाइना। तो मैक मोहन मीन्स हुआ मैक जो है, कहां के नेम होते हैं मैक, इस तरह के सारे नेम कहां। और हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है,
कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर निकलती है? कर्क रेखा मीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पहले हम समझ लेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है क्या, मतलब कर्क रेखा है क्या। दैट इज अ इमेजिनरी लाइन व्हिच इज पास थ्रू द ईस्ट टू नॉर्थ, मींस ग्लोब हमने बनाया ये, तो जो लाइन ईस्ट टू साउथ, ईस्ट ओ सॉरी ईस्ट टू वेस्ट, क्या ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट जो लाइन रन होती है, खींची जाती है, ड्रा की जाती है, वो क्या कहलाती है? हमारी क्या कहलाती है? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड तो जो ये 0 डिग्री होती है, जो मेन होती है, इक्वेटर बोलते हैं इसे, इसे भी जो 0 डिग्री होती है उसे क्या बोल सकते हैं हम? इक्वेटर या विषुवत रेखा। और कर्क रेखा जो होती है, कर्क रेखा एक लैटिट्यूड लाइन है, इमेजिनरी लाइन है लैटिट्यूड, जो इसको क्या बोलते हैं हम? 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ बोल देते हैं, तो वो क्या हो जाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर 23.5 डिग्री साउथ बोल दें तो ट्रॉपिक ऑफ क्या हो जाती है? कैप्रिकॉन, मकर रेखा। ये समझ में आ गया होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक रेखा है जो पूरब से पश्चिम ड्रा की जाती है। तो कर्क रेखा को अगर हम डिग्री में पूछ ले, कर्क रेखा को डिग्री में, तो क्या हो जाता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये ध्यान रखना, नॉर्थ जरूर लिखना, अगर नॉर्थ नहीं लिखा तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि साउथ में लिखा है या नॉर्थ में लिखा। अगर साउथ लिख दिया तो कैप्रिकॉर्न हो जाएगा, मकर रेखा हो जाएगा। क्या 23.5 डिग्री साउथ लिख दिया तो क्या हो जाएगा? मकर रेखा हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे कौन से राज्यों से मकर रेखा निकलती है। तुम्हारे पास ट्रिक क्या है? गुजरात, गुजराज ये राज्य लिखा है, मैं छाता और छड़ी बनती है और पूरे मिजोरम में बिकती है, ठीक है? आ गुजरात, गुज राज, अगर हम इसको इस तरह लिखे तो ये कहा जाएगा गुजरात, गुज राज, ये क्या हो जाएगा? राजस्थान, राजस्थान। फिर क्या? मैं आया ना, तो मैं को क्या लिख सकते हैं? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छाता, छाता, मध्य प्रदेश आया, इसका मतलब छत्तीसगढ़, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश का ही पार्ट था, छत्तीसगढ़। फिर क्या है? झारखंड, झारखंड, झारखंड क्या लिखा हुआ है? छड़ी, छड़ी या झड़ी, झड़ी, तो झड़ी, झड़ी से क्या हो जाएगा? झारखंड। बंती, बंती मतलब बंगाल, बंती बंगाल। पूरे, पूरे मींस अगर हम इसको बनाएंगे तो ये क्या बनेगा? त्रिपुरा, क्या बनेगा? त्रिपुरा, क्या? पूरे मींस हो जाएगा त्रिपुरा, मिजो मतलब मिजोरम, ये तो पता होगा मिजोरम, तो क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म? क्या हो जाएगा? गुजरात मतलब गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था? सन 2000 में। कब अलग हुआ था? सन 2000 में। अब बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? वो क्या हुआ था? 2000 में। ये दोनों कब अलग हुए थे? छत्तीसगढ़ और झारखंड अलग राज्य कब बने थे? छत्तीसगढ़ किसका पार्ट था? मध्य प्रदेश का। झारखंड किसका था? बिहार का था। ये दोनों अलग अलग कब बने? सन 2000 में बने। तो साटिक याद हो गई होगी, गुजरात में छाता और छड़ी बनती है, पूरे मिजोरम में बिकती है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म याद हो जाएगा। ये एक सीरीज भी, अगर हम इसको देखें कि सारे जितने नेम लिखे हुए हैं वो पश्चिम, पश्चिम, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब किस तरफ लिखे हैं? अगर हम पश्चिम से पूरब लिखें, पश्चिम से पूरब, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश लिखेंगे। अगर पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, तो क्या लिखेंगे? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़,
मध्य प्रदेश राजस्थान, तो आप कंफ्यूज नहीं हो ना। पहली बात, ये सारे कितने कर्क रेखा में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आते हैं। जितने राज्य हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन राज्यों से होकर गुजरती है। अगर इसकी सीरीज भी पूछ ले, अगर ये पूछ ले पूरब से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूरब की तरफ लिखना है, तो आप कंफ्यूज ना होइए। इस ये जो लिखा हुआ ये आर्डर क्या है, पश्चिम से पूरब की तरफ लिखा है। अगर पूरब से पश्चिम पूछ ले इधर से इधर लिख देंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। इसी तरह 60 ट्रिक आपको मिलती रहेंगे। आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करते रहिए।